वाराणसी में काशी विद्यापीठ में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि छात्रों के दोनों गुट छात्र संघ चुनाव में अपनी धाक जमाने के लिए भिड़ गए, जिसमें साफ दिखा कि छात्रों के गुट ने दूसरे गुट के छात्रों पर अचानक हमला कर दिया। कॉलेज की बालकनी में खड़ा एक छात्र पूरी घटना का वीडियो बनाने लगा कि तभी पिटाई से बचने के लिए एक छात्र ने गोली चला दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दोनों गुटों के छात्रों में भगदड़ मच गई। गोली चलते ही छात्र और भी बेकाबू हो गए और एक लड़के को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख दूसरे गुट के छात्र वहां फिर आ गए, जिसके बाद दोनों गुट एक बार फिर भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में चार छात्र घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश सुरक्षा बल की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ जवान विजय भान सिंह यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। मौत की खबर सुनने के बाद से गांव में मातम पसरा है, तो वहीं करवा चौथ के दिन पति की मौत की खबर से उनकी पत्नी सुनीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बेरामपुर इलाके में बीएसएफ की एक टीम उन पांच भारतीय मछुआरों को छुड़वाने गई थी जो गलती से बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो गए थे, लेकिन लौटने के समय बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ के जवान विजय भान सिंह की मौत हो गई जबकि एक जवान बुरी तरह घायल हो गया। उनके कमांडेंट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि कोई फ्लैंक मीटिंग की तैयारी चल रही थी, उसमें जो है ये शहीद हो गए। दिल्ली आ तो कौन, मैंने सरमंदर दे रहा है। बोली ठीक है काम करो न तो दे रहा है। बोले हम खाना खावे जा रहे हैं, बाद बात बात करेंगे। राजस्थान के जयपुर में कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहाँ पिज्जा की डिलीवरी में देरी होने पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कई लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा कर रहा एक आदमी रेस्टोरेंट के बाहर पड़ी मेज को पटक कर तोड़ने लगा। एक दूसरे आदमी ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो डर कर अंदर भाग गया। लोगों ने कुर्सियों को डंडों से रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ दिए। हंगामा कर रहे आदमी के इशारे पर दूसरे लोग भी रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। इससे पहले दो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते दिखे, अंदर जाते ही उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद हमलावरों ने रेस्टोरेंट पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच वहां काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई, लेकिन हमलावरों पर किसी का कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जंगल में लगी आग से आसपास की इमारतों को बचाने के लिए खास तरह का ब्लैंकेट यानी एक चादर बनाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लैंकेट को इमारत के चारों तरफ लपेटकर उसे जंगल की आग से बचाया जा सकता है। बताया गया कि ये ब्लैंकेट आग को फैलने से रोक सकता है, साथ ही आग के तापमान को भी कम करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लंबी रिसर्च के बाद चार खास तरह के मटेरियल से इस ब्लैंकेट को बनाया गया, जिनमें एल्यूमिनियम की भी परत है जो आग की गर्मी को कम करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। फिलहाल इस ब्लैंकेट का इस्तेमाल छोटी मोटी आग से लोगों को और छोटे मकानों को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसका इस्तेमाल जंगल की आग से रिहायशी इलाकों में बनी इमारतों को बचाने के लिए किया जा सकेगा। पेरिस में चल रहे एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा अब भी बरकरार है। आज तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या फिर उसे डार्क ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दरअसल पेरिस में एफएटीएफ के सदस्य देश आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। पाकिस्तान की वर्तमान ग्रे लिस्टिंग पर एफएटीएफ की मीटिंग आज फैसला लेगी कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए या फिर कुछ और समय दिया जाए। क्या फैसला लेना चाहिए, ये संकेत हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसके द्वारा एफएटीएफ ने पाकिस्तान की छानबीन की है वो साफ साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ और आतंक के लिए पैसे जोड़ने के खिलाफ आवश्यक कदम नहीं उठाए। कदम उठाना तो दूर रहा, पाकिस्तान के बैंकों ने अब तक ये भी नहीं समझा कि कौन से कदम कैसे उठाने चाहिए। दूसरी ओर संभव है कि पाकिस्तान को राजनीतिक बचाव मिल जाए, खास तौर से चीन की तरफ से, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है। दबाव पाकिस्तान पर बना हुआ है और उस पर निगाह कड़ी है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा या फिर दंड भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में लगातार चौथे दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे पुलिस की इनामी बदमाश के साथ ये मुठभेड़ हुई
और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया। मुठभेड़ के समय दोनों ओर से करीब 10 राउंड फायर हुए। पकड़ा गया बदमाश महमूद पांडे मेहरून मुल्ला गैंग का शार्प शूटर है। इकबाल ने नोएडा में 65 लाख की लूट और दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है।